हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है आपके। आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ पनीर की भुर्जी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। इसके लिए मैंने लिया 400 ग्राम पनीर, 4 अनियन स्लाइस किए हुए, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट और अदरक लंबा लंबा काटा हुआ। यहाँ पे मैंने एक पैन में थोड़ा सा तेल लिया, उसमें मैंने छोटा चम्मच सूखा धनिया और एक छोटा चम्मच जीरे का डाला और उसमें मैं एक मिनट के बाद डाल दूंगी हमारे लंबे स्लाइस किए हुए अनियन। हमारे प्याज को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक कुक कर लेंगे। अभी मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी। पेस्ट को अच्छे से मिक्स करके 1-2 मिनट के लिए कुक कर दूंगी और फिर हरी मिर्ची का पेस्ट इसमें डाल दूंगी। ये 5 हरी मिर्ची का पेस्ट है। अभी हम इसमें सूखे मसाले ऐड कर देंगे, जैसे आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, 1 चम्मच के करीब नमक, थोड़ी सी कसूरी मेथी। हमेशा तड़के में जब भी आप हल्दी, नमक, मिर्च वगैरह डालते हैं तो उसको अच्छे से भून लिया करें, उससे कलर भी अच्छा आता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। फिर हम उसमें टमाटर ऐड करके थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। जब तक टमाटर सॉफ्ट होते हैं हम उसको कुक कर लेंगे। पनीर की भुर्जी की रिचनेस बढ़ाने के लिए मैं इसमें 2 चम्मच मलाई के फेंट के डाल दूंगी। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं। मलाई को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद वही सेम बाउल में मैं 2 चम्मच पानी के डाल के अच्छे से उसको मिक्स करके तड़के में डाल दूंगी। गाइस, और बढ़िया बढ़िया रेसिपीज जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो शेयर भी ज़रूर करिएगा। हमें तड़का तब तक पकाना है जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देता। हमारे तड़के ने ऑयल छोड़ दिया है। अभी हम इसमें ग्रेट किया हुआ पनीर डाल देंगे, यानी कि घिसा हुआ पनीर डाल देंगे। पनीर की सब्जी सबकी फेवरेट होती है, आप ये पनीर की भुर्जी जरूर ट्राई करिएगा, सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये परांठे के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, सभी चीजों के साथ बहुत अच्छी लगती है। हमें पनीर को जेंटली मिक्स करने के बाद 4-5 मिनट के लिए और कुक करना है। ये लीजिए, पनीर की भुर्जी हो चुकी है रेडी। अभी हम इसको धनिया, अदरक और थोड़े से कच्चे पनीर के साथ गार्निश करके सर्व करेंगे। एंजॉय।